जी, मेरा नाम राजेश्वर तिवारी है। मैं बिहार व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के प्रांतीय अधिकारी। मांग को माननीय उच्च न्यायालय और राज्य सरकार के द्वारा नहीं मानी जा रही। पिछली बार 1 अप्रैल को ब्लैक डे के रूप में मनाया था, उसके बाद उसी दिन मैंने अल्टीमेटम दिया था। चलिए, सारण छपड़ा के विधि न्यायालय के परिसर में एक अनूठा डिमांड मांग, अगर आपकी बातें पूरी न की जा सके तो इजहार और बातों को रखना, वैसे कोर्ट में तो लॉ है, संविधान है, सब कुछ है। एक अजूबा चीज़ आपको हम दिखाएंगे अपने चैनल के माध्यम से। अगर आपकी आवाज़ सुनी भी नहीं जाती हो, जो खुद जो यहाँ के एम्प्लॉयज हैं, मैंने पहले एक वीडियो पोस्ट किया था, ताजुब का अभी तक सरकार के कहीं भी कान पर जू नहीं रहेगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे इस वीडियो पर जो दिल दुखाने वाले इमोशनल्स आपका, इसमें कई चीज़ें सम्मिलित मिलेगा। कैंपस के भीतर प्लांटेशन, जो पैसा सरकार का स्कीम है, सुप्रीम कोर्ट का, सब लोग चाहते हैं कि एक पेड़ लगे। वो लोग आज हमारे एम्प्लॉयज अंदर से काफ़ी दुख लेकिन बाहर की खुशी इजहार करते हुए एक एक प्लांटेशन। लेकिन आप उस प्लांटेशन के बॉडी पर एक, आप प्लीज़ कोशिश करेंगे सारे सब्सक्राइबर, आप देखें उस पर क्या लिखा हुआ, ये बयां है ये। लेकिन अब कम से कम जो हमारे ऑनरेबल, जो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, हम वीडियो भी पेस्ट हम भेजेंगे आपको भी, जिला जज को भी भेजेंगे, सबको भेजेंगे। प्लीज़ अब तो आवाज़ सुनिए। आइए शुरुआत करते, आखिर है क्या मामला। सर नाम बताइए। जी, मेरा नाम राजेश्वर तिवारी है। मैं बिहार व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। हमारी मांग को माननीय उच्च न्यायालय और राज्य सरकार के द्वारा नहीं मानी जा रही है, क्योंकि हम लोग न्यायालय के बहुत ही संवेदनशील कर्मचारी हैं और हम लोग के कार्य से आम जनता प्रभावित होता है। तो हमने पिछली बार 1 अप्रैल को ब्लैक डे के रूप में मनाया था, उसके बाद उसी दिन मैंने अल्टीमेटम दिया था कि 1 जुलाई से हम लोग सांकेतिक हड़ताल पर चले जाएंगे। लेकिन तत्पश्चात माननीय हम लोग के अभिभावक मुख्य न्यायाधीश महोदय के द्वारा हम लोग को बुलाया गया और आश्वस्त किया गया कि मैं आपके मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके राज्य सरकार से और हाई कोर्ट से जो भी आपकी मांगे नियमानुकूल होगी, जो जिन्विन होगा, उसको यथाशीघ्र दिलवाने का प्रयास करूंगा कि एक हमको अवसर प्रदान किया जाए। हम लोग माननीय उच्च न्यायालय और माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय पर आस्था व्यक्त करते हुए हमने अपना 1 जुलाई का जो हड़ताल का प्रस्ताव था वह माननीय उच्च न्यायालय और माननीय मुख्य न्यायाधीश के आश्वासन पर तत्काल कॉल ऑफ कर लिया। आज ये 9 अगस्त अगस्त क्रांति के दिन है और हम लोग की मांग को नहीं मानी गई है, तो हम लोग अपनी मांग को प्राकृतिक से जोड़कर वृक्ष में अपनी मांग को तख्तिया लटका रहे हैं और वृक्षारोपण कर रहे हैं। और इससे प्राकृतिक से भी मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे मांगों को सहानुभूतिपूर्वक यथाशीघ्र दिलाने का लेवल पर बताया जाए क्या चीज़ इसका मतलब क्या आपने क्या यह मांग है। बरसों से व्यवहार न्यायालय कर्मचारियों की चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं दी जा रही है और हमारे चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी योग्यता और कार्य क्षमता होने के बावजूद भी वह उसी संवर्ग से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जो कि माननीय उच्च न्यायालय का ही पत्र है कि हर प्रत्येक 6 महीना के अंतराल पर विभागीय परीक्षा आयोजित कर चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को तृतीय वर्गीय सहायक संवर्ग में पदोन्नति देने का कार्य किया जाए। लेकिन इसी छपरा न्याय मंडल में 20 वर्षों से आज तक कोई पदोन्नति की परीक्षा आयोजित नहीं की जा गई है, जिसके लिए हमारे कर्मचारियों में बहुत निराशा की भावना जागृत हो गई है और हम कर्मचारीगण मायूस हो गए हैं। और प्रयास करने पर हमारे अभिभावक के द्वारा कहा जाता है कि आपके कार्य को की जा रही है, लेकिन इसी कार्य के आश्वासन के कारण आज तक हमारे कर्मचारियों को कुछ नहीं मिला है और हमारे कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जा रहे हैं। ये बिहार के सभी जितने जो ज़िले हैं जी, पूरे बिहार के, मैं चूंकि बिहार के प्रांतीय अध्यक्ष हूं इसलिए यह पूरे बिहार में यह व्यवस्था लागू है। चलिए, आपने लिखा कि व्यवहार न्यायालय कार्यालय वर्ग 4 के कर्मियों के वर्षों से सहायक संवर्गों में पदोन्नति नहीं दिए जाने के विरोध में
एक बस हमारे चैनल के माध्यम से एक माध्यम से हम केवल जो वरिष्ठ जो ऑनरेबल कोर्ट सुप्रीम हाई कोर्ट कम से कम आपको तो इतना अधिकार है एक कलम मारेंगे तो सरकार हिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट आपके सामने एग्जाम्पल है, बताने की चीज़ें नहीं, कई आदेश जो गवर्नमेंट चाहते हुए भी नहीं हो पाए, लेकिन आपके कर्मचारी आपका आपका जिसने पूरा जीवन एक ही पद कुर्सी पर बैठ कर दे दिया, और जो इनके साथ वाले जो दंडाधिकारी होंगे सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट आज के तारीख में ADJ होंगे, DJ होंगे, कुछ लोग रिटायर्ड भी कर गए होंगे, कुछ लोग इनके साथ रहने वाले अधिकारी, कुछ लोग हाईकोर्ट भी पहुँचे होंगे, वही साथी जिसको ये लोग सेवा करते हैं, अगर जिसको आम भाषा में लोग पेशकार बोलते हैं, जो भी भाषा हो, जो रिकॉर्ड के धारक लिखने वाले, ऑर्डर शीट लिखने वाले, कानून का सस असिस्टेंट को ऑपरेट, सब कुछ यही लोग हैं, नाम मात्र का दस्तखत विवेक उनका है, ऐसा कौन से सजा इन लोग को दी जा रही है। हमारा चैनल इस पर थोड़ा सा हम विरोध करते हैं, इनके साथ में है कि कम से कम आपका स्टाफ है, आपका अंग है, आपका ब्लड है, आपका सब कुछ है, जिनके वजह से आज कोर्ट नंबर वन बिहार का जो कोर्ट माना जाता है, कम से कम अब इस वीडियो के आधार पर संज्ञान लिया जाए और इनकी जो मांग है जायज मांग है अगर आप देते हैं तो। हमारा सेठी कमीशन की अनुशंसा लागू करने हेतु राज्य सरकार और माननीय उच्च न्यायालय को दी गई, लेकिन आज 20 वर्ष बीतने के पश्चात भी न तो हम लोग को सेठी कमीशन का अक्षरशः अनुपालन किया गया और न ही उसके अनुरूप पदोन्नति दी गई, और हम लोग लगातार राज्य सरकार और माननीय उच्च न्यायालय से अनुशंसा को लागू करने हेतु प्रयासरत हैं। चलिए हम अपनी भाषा में पढ़ते हैं, इन्होंने लिखा कि व्यवहार न्यायालय कर्मचारियों के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सेठी कमीशन की अनुशंसा को लागू नहीं किए जाने के विरोध में, यानी अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, वो बात अच्छा इन्होंने रिटर्न में, वो भी पेड़ पर, एक पेड़ शुद्ध है, एक पेड़ लगाना चाहिए, इसकी आयु कभी रहेगी, लेकिन ये भी आज पार्ट ऑफ दिस ट्री हो गया है, यानी इसके पूरे बर्डन ऑक्सीजन कार्बन डाई जो छोड़ें आज इनकी भी आवाज़ इस रूप में इसके साथ है। हम उम्मीद करते हैं कि ऑनरेबल जो सीनियर्स कोर्ट है प्लीज़ इस पर ध्यान देंगे। फिर मिलते रहेंगे। जय हिंद।